हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 जेंडर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम के क्या पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है, लिंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवेन बिलो। लुक एट द बॉय, ही इज माई ब्रदर, माई फादर लव्स हीम। बॉयज ब्रदर फादर आर द नेम ऑफ मेल्स। द प्रोनाउन ही एंड हीम स्टैंड फॉर अ मेल बॉय, दे आर देयर फॉर सेट टू बी द मस्कुलिन, ठीक है। नाउ रीड दिस सेंटेंस। लुक एट द गर्ल, सी इज माई सिस्टर, माई मदर लव हर। गर्ल, सिस्टर, मदर आर द नेम ऑफ फीमेल। द प्रोनाउन सी एंड हर स्टैंड फॉर फीमेल गर्ल, दे आर देयर फॉर सेट टू बी द फेमिनिन जेंडर। वर्ड दैट स्टैंड फॉर प्लेस एंड थिंग आर सेट टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। न्यूटर मीन्स नाइदर मस्कुलिन और नॉन फेमिनिन। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ द न्यूटर जेंडर। लुक एट द बेंच, इट इज मेड ऑफ वुड। लुक एट द केक, इट हैज मैनी कलर्स। लुक एट द कैट, इट इज अंडर द टेबल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, उस लड़के को देखो, वह मेरा भाई है, मेरे पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय, ही, ब्रदर, फादर, हीम, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, लड़के के लिए। किसके लिए यूज़ हो रहा है, लड़के के लिए, ठीक है। तो जो सर्वनाम, और सर्वनाम क्या है इसमें, ही और हीम, ठीक है। तो ये मेल हो गया, बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, पुल्लिंग बोलते हैं जिसको। समझ में आया हिंदी में। फिर वैसे ही इसको देखते हैं, ये लुक एट द दैट गर्ल, सी इज़ माई सिस्टर, मतलब उस लड़की को देखो, वह मेरी बहन है, मेरी मम्मी उससे बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो गर्ल, सिस्टर, मदर, ये किसका नाम है, फीमेल है, फीमेल का नाम है, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है, सी और हर, ठीक है, जो फीमेल है, गर्ल है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन जेंडर। जो क्या कराता है, लड़के का बोध कराता है, उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलिन, और जो लड़कियों का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। समझ में आया। अब आता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, ना तो वो क्या होता है, फीमेल रहता है और ना ही मेल रहता है, मतलब वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, इट का यूज़ इस वाक्य में हुआ, जैसे इस बेंच को देखो, और ये किससे बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको लड़की या लड़का बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। वैसे ही केक होता है, और वो बहुत सारे कलर का है, और कैट है, कैट किसके, इट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, वो टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। द प्रोनाउन आई, मी, यू, वी, अस कैन बी आइदर मस्कुलिन और फेमिनिन। द प्रोनाउन दे एंड देम मे बी मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। द मैन आर वॉकिंग आउटसाइड, आस्क देम इफ दे वेंट टू गो होम नाउ। ये क्या हो गया, मस्कुलिन, ठीक है, मैन है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, देम, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लड़के के बारे में, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, द गर्ल्स है जस्ट कम होम, इसमें भी देम है। आस्क देम इफ दे वांट टू वांट देयर डिनर, ये हो गया फेमिनिन, मतलब इसमें गर्ल्स है तो क्या हो गया, फेमिनिन हो गया, और ये मैन है तो मस्कुलिन, ठीक है। अब आता है न्यूटर। हियर आर थ्री बुक्स, बुक्स के बारे में बता रहा है, मतलब वो क्या हो गया, न्यूटर। समझ में आया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलिन और फेमिनिन के कुछ वर्ड, जैसे कि हस्बैंड का क्या होता है, वाइफ, जेंटलमैन, लेडी, एम्परर, एम्प्रेस, मेल, फीमेल, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ठीक है, एक्टर, एक्ट्रेस। समझ में आया, ऐसे पढ़ेंगे, समझ में आया। गॉड, गॉडेस, डैडी, मम्मी, कॉक, हैन, बुल, काऊ, बॉय, गर्ल, समझ में आया, सिस्टर, सॉरी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, मास्टर, मिस्ट्रेस, मैन, वुमेन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन हो गया, समझ में आया। मैच द फॉलोइंग मस्कुलिन वर्ड विद फेमिनिन, इसको इसमें से मस्कुलिन को हमको फेमिनिन से क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि फादर, फादर मतलब पापा, पापा का क्या होगा, मदर, तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आया, ऐसे करना है, फादर्स का मदर। कॉक का क्या होता है,
हैन, समझ में आया? ऐसे ठीक है, तो ऐसे मैच करना है। सर्कल द नाउन दैट कैन बी आइदर मस्कुलिन और फेमिनिन। ना जो क्या है नाउन है और मस्कुलिन और फेमिनिन, उसको क्या हमको क्या कराना है, सर्कल लगाना है। समझ में आया?